पेश है हिंदी जबान में अपडेट। अगस्त 2019 परवर्ती मोदी शासन ने कश्मीरियों को डिस एम्पावर तथा डिस एनफ्रेंचाइज करने के लिए कई एक पग उठाए हैं। मोदी शासन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक डिस एम्पावरमेंट की प्रक्रिया लागू कर रहा है। कश्मीर की विशिष्ट सांस्कृतिक बहौती को महत्वहीन करने के लिए शिक्षा संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है। मोदी शासन कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा करते हुए कश्मीर की पहचान को एक नया रूप देने का प्रयत्न कर रहा है। विकास के नाम पर आर्थिक गतिविधियों के स्थानीय समुदायों की उपेक्षा करते हुए बाहर के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। मोदी एक ऐसा निरंकुश शासक है जो कश्मीर की विशिष्ट पहचान तथा इसकी मुस्लिम विशिष्टता को समाप्त करना चाहता है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में किसी भी वर्ग, समुदाय अथवा संस्कृति से संबद्ध मुसलमान हिंदुत्व नीतियों का टारगेट है। भारत राष्ट्रसंघ प्रस्तावों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्यात्मक स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। मोदी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम विशिष्टता को समाप्त करने पर तुला हुआ है। बीजेपी आरएसएस मुस्लिम बहुसंख्यक जम्मू कश्मीर में हिंदू सभ्यता की स्थापना करना चाहता है। कश्मीरी अपनी भक्ति को मोदी की कश्मीर विरोधी नीतियों से सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की स्थिति की अनिवार्यताओं को समझना चाहिए तथा अधिकृत कश्मीरियों के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए।